मैं हमारे अभी वजनलाल सरकार ने महिला को 50% आरक्षण दिया है, इसके मामले में हमारी युवा सभी को धोखा हो रहा है और इसके लिए सभी हम बेरोजगार युवा सभी इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। और हमें विश्वास भी नहीं, पूरा विश्वास भरोसा है कि हमारी जो मांग है उस पर सरकार संज्ञान लेगी और हमारे पक्ष में कुछ निर्णय करेगी। और अगला कदम क्या रहेगा, अगला कदम अगर नहीं करते हैं, अगला ईमान दिए हैं तो हम जाएंगे जयपुर और घेराव करेंगे जयपुर देंगे। अगर ये 30% अगर इन्होंने 30% किया है, 30% 50% किया है, ठीक है, जैसे इनको अगर 30% पूरे पद भर जाते हैं तो ये 50% कर सकते हैं। वैसे ही आज ही कांस्टेबल में हुआ है कि कांस्टेबल में के 10% ही के मतलब के महिला ने भाग लिया है या महिला के पद है, उनको आरक्षण तो 30% का मिला हुआ है, उनका भी 20% आरक्षण की पोस्ट खाली पड़ी है और उसे 3% और बढ़ा दिया, तो उनके आरक्षण में भी पोस्ट तो खाली पड़ी है, तो बढ़ाने के क्या मतलब, क्यों किसी की पोस्ट खा रहे हो? तो केवल ये रीट में किया गया है, तमाम भर्तियों में किया गया? फिलहाल तो अभी तो एक रीट और कांस्टेबल में आज सूचना आई है। तो उसके बाद जो पद खाली रहेंगे तो उससे कितना नुकसान होने को, उसको युवा का पूरा नुकसान ही हो रहा है। देख लो, आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी अनुमान लगा सकते हो कि अगर 50% एकदम एक तरीके से बाहर किया जाए और फिर उनमें से एक सर्विस है कोटा वगैरह खेल कूद का काट के फिर बड़ी मुश्किल से 10-15% बचते हैं, 100 में से अगर पोस्ट करें तो 10% ही बड़ी मुश्किल से पोस्ट युवा के हाथ में आती है और उसमें कैटेगरी को एक पोस्ट बड़ी मुश्किल से है। ये सरकार अपने फायदे के लिए नियम बनाती है, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से न्यूज चल रही है कि ओम बिरला की बेटी को सीधे IAS में नियुक्त किया गया। अधिकारी गाजो है।